भादो मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी को किया जाने वाला बछ बारस व्रत रविवार को महिलाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। महिलाओं ने गौवत्स का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु महिलाओं ने बिना कुछ खाए पिए पहले गौ के बछड़े का पूजन किया। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय तथा बछड़े की पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा पूजन तथा उपवास कर संतान की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना की जाती है। महिलाएं भोजन में गेहूं के आटे का उपयोग नहीं करती है। बाजरा, मक्का, ज्वार आदि के आटे का उपयोग भोजन में किया जाता है। इस दिन महिलाएं चाकू और कैंची का उपयोग भी भोजन बनाने में नहीं करती है। रविवार को इंदौर में बछ बारस पर्व पर महिलाओं ने गौशालाओं में जाकर गाय एवं बछड़े की पूजा की। संतान की रक्षा के लिए गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। आज के दिन क्या बोलते हैं इस दिन को? आज बछ बारस। किस तरह पूजा होती है? कंकु, चावल, सत्तू और दूध दही के द्वारा इस गाय को बछड़े की पूजा की जाती है। खाने के लिए क्या बता रहे? आज गेहूं का उपयोग नहीं किया जाता, मूंग का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ चावल और चने का उपयोग किया जाता है। और क्या और खाना किस तरह से बनाया जाता? खाने में आप चाकू और कैंची का उपयोग नहीं कर सकते। बछवारा से इसलिए बच्चों की पूजा करी जाती है, गाय और बछड़े की, और अपना जो लड़का है ना उसके लिए करे जाती है। और क्या क्या करते हैं इस दिन? आज इसके लिए कटावा नहीं खाते, गेहूँ नहीं खाते। इंदौर के पंचकुया राम मंदिर गौशाला, वीर बगीची, विद्याधाम, कैसर बाग, रूढ़ गौशाला के साथ ही अन्य स्थानों पर महिलाओं द्वारा गाय एवं बछड़े की पूजा कर गौ माता से संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवाण न्यूज, इंदौर।